Ladies and gentlemen, please welcome Anushka Sharma and Varun Dhawan. सुधा जी क्रिकेट वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? समय नहीं है. अनुष्का देखती हैं, वो तो हम सबको जानते हैं. मेरे जो पति हैं वो क्रिकेट खेलते हैं. उनको देखने के लिए टीवी पे देखना पड़ता है. केवल उनको देखने के लिए? नहीं सर, देश के लिए. हम सब देखते हैं जो भी टीवी पे होता है. बैट को चून करके जाता हूँ. स्वागत करें पद्मश्री सुधा वर्गीस जी का. मैं अपने दर्शकों को इनकी थोड़ी सी भूमिका देना चाहूंगा. सदियों से हमारे देश की एक अनुसूचित जाति, मुसाहिर जाति, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतने निचले स्तर पर होती है कि उनको मजबूरी में चूहे को अपना आहार बनाना पड़ता है. ऐसे में इन महिलाओं के जीवन में आई एक साइकिल वाली दीदी. मैं केरल से बिहार आई, मुंगेर जिला में मुसहर परिवार से मिला. मुसहर लोगों से मिलने के बाद मैं तय किया, मैं गरीब के खोज में आए हैं और सबसे जरूरतमंद लोगों के साथ मैं मेरा टाइम, मेरा मेहनत और मेरा प्यार उन लोगों के साथ देंगे. हम ये जानना चाहेंगे कि ये साइकिल वाली दीदी शीर्षक आपके नाम से कैसे जुड़ा? पैदल जाते जाते मेरा भी थकावट होता है, तो हम सोचे साइकिल चला के देखते हैं. कोई दिन मैं जोड़ के देखा, मैं 40 किलोमीटर साइकिल चलाए है. मैं अकेले साइकिल चला के जा रहे थे, दूर से मैं देखा कि कुछ लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे थे. वो लोग गाना गाना शुरू किया, देखा है पहली बार. तो मैं जवाब दिया, देखेंगे बारंबार.